हे गाइस सैलियर। और दोस्तों जिसका आप सभी को इंतजार था वो हमारे पास आ चुका है, मतलब डर्मारोलो जो हमारे पास है वो आ चुका है। और डर्मारोलो और हैंड टैटू दोनों को मैंने एक साथ ऑर्डर किया था अमेजोन से, और दोनों इस बार आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया दोनों को। और आपको पता होगा अगर आप पहले से फॉलो करते हैं इस चैनल को, तो मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर सवाल पूछे थे कि मतलब मैं वीडियो सबसे पहले डर्मारोलो पर लाऊँ या फिर हैंड टैटू पर। तो उस पर जो वोटिंग थी वो डर्मारोलो पर ज़्यादा गई थी, इसलिए जो फर्स्ट वीडियो है वो डर्मारोलो पर आई है। तो जिन लोगों ने हैंड टैटू पर वोट दिया था तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो जो है वो हैंड टैटू के ऊपर आ जाएगी। तो हैंड टैटू भी मेरे पास आ चुका है, तो अभी हम डर्मारोलो के बारे में देखेंगे। तो रिसीविंग लाइन के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, तो उसमें मैंने कुछ आपको टिप्स दी थी, और जो टिप्स थी वो काफ़ी ज़्यादा स्लो वर्क करती है। और अगर आपको स्लो स्लो ग्रोथ करनी है अपनी रिसीविंग लाइन, तो आप उस टिप का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि रिसीविंग लाइन है वो क्यों ख़त्म होती है, तब भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो उसमें मैंने टिप्स दी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्लो वर्क करती है, लेकिन इस टाइम पे लोगों को कोई भी काम स्लो पसंद नहीं है। लोग चाहते हैं कि हमेशा जो हमारा काम है वो फास्टली वे में हो, तो इसीलिए जो आज ये वीडियो है। और मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि मैं डर्मारोलो पर वीडियो बनाऊंगा, तो आज ये वीडियो आ चुकी है। तो विदाउट एनी बुलशिट अब हम टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपको कैसे अपनी रिसीडिंग लाइन को ठीक करना है, और आपको डर्मारोलो को कैसे यूज़ करना है, और आपको उसको कैसे बाय करना है, और कौन सा साइज़ आपको लेना है। और इसको हम देखेंगे कि किससे बना है, क्या है इसमें, और किस वजह से ये आपके जो हेयर है वापस लाता है। तो पूरी डिटेल हम इसके बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल के आइकन पर टैप करें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप कोई वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने मुझको मतलब इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आपको डिस्प्ले पर शो हो रही होगी। आप मुझको फॉलो करके वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपकी जवाब जरूर दूंगा। तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका प्रोडक्ट डर्मारोलर, और हम इसको अनबॉक्स करेंगे। तो इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, ग्लास में एक आता है और काफ़ी ज़्यादा केयरिंग से ये मिलता है। और इसके अंदर जैसे आप इसको हटाते हैं तो यहाँ पर आपका जो डर्मारोलर है वो होता है, और ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और हम बात करेंगे ये बना कैसे होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर साइड में यहाँ पर बहुत सारी नीडल्स होती है, 514 नीडल्स इसमें होती है, जिसके मदद से आपके जो हेयर्स हैं वो वापस आते हैं, रीग्रोथ होते हैं। और नीडल्स के नीचे वाला जो एरिया है वो फाइबर का होता है, और जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और ये पूरा ब्लैक कलर का है, और इसके मदद से आप अपने रिसीडिंग लाइन को ठीक कर सकते हैं। और जो आपके हेयर्स अगर बीच में से भी ख़त्म हो चुके हैं तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। तो अभी मेरे जो हेयर्स हैं वो बीच में से तो ख़त्म नहीं है, सिर्फ मुझको अपनी रिसीडिंग लाइन ठीक करनी है। तो हम इसको अभी सिर्फ रिसीडिंग लाइन ठीक करने के लिए यूज़ करेंगे। तो जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और हम बात करते हैं कि अब ये वर्क कैसे करता है। तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये जो नीडल्स है वो वर्क कैसे कर सकती है, हमारे जो हेयर्स हैं वो यहाँ से अगर ख़त्म हो चुके हैं, अगर सर पे से ख़त्म हो चुके हैं, अगर आपके सर पे से बाल ख़त्म हो चुके हैं तो वो कैसे वापस आएंगे। तो जैसे आपकी जो स्किन होती है उस पर से काफ़ी सारी लेयर होती है, जैसे फर्स्ट होती है एपिडर्मिस और सेकेंड डर्मिस होती है, और फिर जो लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है, और फिर जो आपकी बॉडी होती है वो उसको रिपेयर नहीं कर पाती। तो जैसे अगर आप इसको यूज़ करते हैं डर्मारोलो को अपने इस एरिया में जहाँ पर आपके हेयर्स ख़त्म हुए हैं, वहाँ पर अगर आप इसको रिपेयर करते हैं तो यहाँ पर ये जो डर्मारोलो वहाँ पर एक डैमेज देता है ये। तो जहाँ पर ये डर्मारोलो आप यूज़ कर रहे हैं और जो एरिया है वो डैमेज होगा, तो सबसे पहले जो डर्मारोलर है ये उस एरिया को डैमेज करता है, और फिर उसके बाद वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन हाई होता है, और फिर उसके बाद जो प्लेस होता है जहाँ पर आप इसको यूज़ करते हैं वो रिपेयर होने स्टार्ट होता है। तो जैसे अगर आप इसको अपने सर पर लगाते हैं, या फिर आप अपनी रिसीडिंग लाइन ठीक कर रहे हैं, अपने हेड पर इसको अप्लाई करते हैं, या फिर अपने हेड पर इसको चलाते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले ये जो एरिया है वो डैमेज करेगा, और फिर उसके बाद वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन हाई होगा, और फिर वहाँ पर जो आपके हेयर हैं वो वापस आने लगेंगे। तो आप जब भी इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पर जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाएगा। तो इस तरह से जो डर्मारोलर है ये वर्क करता है, और ये जो इसका रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, और ये कोई फेक नहीं है। आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो आपको जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा, अगर आपकी जो रिसीडिंग लाइन है वो ख़त्म हो चुकी है, या फिर आपके हेयर्स हैं उस पर से हेयर्स ख़त्म हो चुके हैं, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो डर्मारोलर है इसके काफ़ी सारे यूज़ होते हैं, तो जैसे अगर आपको अपने स्किन के पोर्स ख़त्म करने हैं तो उसके लिए भी यूज़ होता ही है, और उसके लिए भी हम बाद में वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि आपको रिसीडिंग लाइन को कैसे ठीक करना है। तो इसके लिए आपको डर्मारोलर लेना है, और जहाँ पर भी आपके जो हेयर्स हैं वो ख़त्म हुए हैं वहाँ पर आपको इसको चलाना है। तो एक बार आपको वर्टिकली चलाना है, और फिर आपको हॉरिजॉन्टली चलाना है, और ऐसे आपको कम से कम 10-15 मिनट तक करना है। और अगर आप ये करते हो तो यहाँ पर जो आपकी जहाँ पर आप इसको चलाएंगे वो जो एरिया है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा रेडनेस आ जाएगी, और फिर वहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन हाई हो गया है। और ऐसे आपको डेली करना है, कम से कम 2-3 महीने तक आप करते रहें, और अगर आपको लगता है कि आपके जो हेयर हैं वो वापस आ चुके हैं तब फिर आप इसको रोक सकते हैं। तो अगर आप मेरी माने तो जो इसका रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, आप इसको यूज़ करके एक बार ज़रूर देखें। अगर आपको इसको बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। और अगर बात आती है साइज़ की, तो इसका साइज़ भी अलग आते हैं। तो अगर आप बाय करते हैं तो आपको ये 0.5 mm का लेना है, और उससे बड़ा आपको नहीं लेना है। अगर आपके पास है पहले से, अगर आपके पास है कोई बड़ा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाय करते हैं, अगर आप बाय करने वाले हैं अभी, तो आप 0.5 mm का बाय कर सकते हैं। और ये भी जो है ये 0.5 mm का है, तो आपको यही बाय करना है। और नीचे अफिलिएट लिंक है डिस्क्रिप्शन में अमेजोन की, वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और अच्छा क्यों नहीं लगेगा, अगर जो इसका काम है वो अच्छा है तो प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रिसीडिंग हेयरलाइन ठीक करनी है, सिर्फ आपको वहाँ पर इसको चलाना है, और फिर कुछ महीनों में आप देखेंगे जो आपका रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा मिलने लगेगा। तो ऐसे आपको चलाना है, और फिर अब हम देखेंगे कि आपको इसको क्लीन कैसे करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसको यूज़ करना है और फिर आप इसको रख दें, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको इसको क्लीन करने के लिए एक वाटर लेना है, और वाटर आपको अच्छी तरह से उबालना है, पूरा गर्म करना है आपको वाटर। गर्म करने के बाद आप इसको उस वाटर में रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो इसमें आए होंगे तो वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात होगी अगर आप इसमें डेटोल, अगर आपके पास है तो आप इसमें डेटोल डाल लें, और 2-3 बूंद जो होती है डेटोल की वो आप इसमें डाल लें, उससे जो ये डर्मा रोलर वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप किसी दूसरे को देना चाहते हैं तो आपको कभी भी किसी दूसरे को नहीं देना है, आप अपने फैमिली मेम्बर में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी अपने फ्रेंड्स को देना, तब आपको इसको नहीं देना, नहीं तो फिर जो उसकी बीमारी है, जो उसको डिजीज़ है, जो बीमारी उसको है, वो भी आपको हो सकती है। तो किसी के साथ आपको इसको शेयर नहीं करना है, आप अपने फैमिली मेम्बर में इसको शेयर कर सकते हैं, तब उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको बाहर कहीं शेयर नहीं करना है इसको, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था डर्मा रोलर का रिव्यू, और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको रिसीडिंग लाइन की प्रॉब्लम है और जो आपकी लाइन है वो ख़त्म हो चुकी है, तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कुछ ऐसी वीडियोज़ के लिए, और साथ में बेल के आइकन को टैप करें, जिससे कि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियोस बनाता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अपनी रिसीडिंग लाइन को ठीक कर पाएं। और बस मिलेंगे ऐसी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।